तो आज हम बनाने वाले हैं सनफ्लावर सीड्स के लड्डू। सनफ्लावर सीड्स को हिंदी में सूरजमुखी बीज के नाम से भी जाना जाता है। और सनफ्लावर सीड्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है। तो आज की रेसिपी में आप देखने वाले हैं कि बिना चीनी के और बिना तेल यूज़ करे हुए हेल्दी लड्डू किस तरह से बनाए जाते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन के तैयार हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की रेसिपी का लड्डू बनाने का मेन इंग्रेडिएंट्स है सनफ्लावर सीड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिया है न्यू हब्स ब्रांड का सनफ्लावर सीड्स का पैकेट। और ये लेने का एक ही रीजन है कि अनसॉल्टेड है। अनसॉल्टेड रहने की वजह से हम मीठे लड्डू बना सकते हैं। और इसकी खास बात ये है कि ये ग्लूटेन फ्री है, सोडियम फ्री है, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। इससे पहले भी मैंने इसे परचेस किया है। आप चाहे तो सनफ्लावर सीड से स्मूदी भी बना सकते हैं। आज की लड्डू की रेसिपी के लिए मैं लेने वाली हूँ 1 कप सनफ्लावर सीड्स। तो चलिए हम इसे खोल के देखते हैं। मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगी कि सनफ्लावर सीड्स खाने के फायदे क्या क्या है। सनफ्लावर सीड मिनरल से भरपूर होते हैं। इनके सेवन से हड्डियाँ मजबूत होती है। इनमें पाया जाने वाला विटामिन ई हड्डियों के दर्द में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इस बीज में मौजूद मैग्नीशियम नसों को शांत रखने में मदद करता है। इसके सेवन से स्ट्रेस, माइग्रेन जैसी शारीरिक समस्या दूर होती है। और हाँ, अगर आपको वेट लॉस करना है या फिर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपके डाइट में इसे जरूर शामिल करें। सेकेंड इंग्रेडिएंट है 1 कप कटा हुआ गुड़। गुड़ को आपको इस तरह से काट लेना है ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए। आधा कप पानी, 1/4 कप नारियल का बुरादा यानी कि नारियल का पाउडर और 1 छोटा चम्मच हमें घी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस ऑन करके कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। गर्म कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे 1 कप सनफ्लावर सीड्स। तो इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पे 7-8 मिनट तक चम्मच लगातार चलाते हुए थोड़ा सा भून लेना है। तो ये भून के बिल्कुल तैयार है। तो इसे मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे ठंडा हो गया है, इसे हम ग्राइंडर जार के अंदर डाल देंगे और दरदरा पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अपना लड्डू बनाने के लिए सनफ्लावर सीड्स का पाउडर पीस के बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से आपको भी पीस लेना है। तो इसे मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। साथ ही साथ अब हम इसके अंदर डालेंगे ये नारियल का बुरादा 1/4 कप और इन दोनों को हम एक साथ मिक्स कर देंगे कुछ इस तरह से। आप चाहे तो ये समय पर इसके अंदर कटे हुए काजू, बादाम या फिर फ्लैक्स सीड्स भी डाल सकते हैं। तो इसे मिक्स करने के बाद फिर से मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई को गर्म कर लिया है। गर्म कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे 1 कप कटा हुआ गुड़ और 1/2 कप पानी। तो गैस की फ्लेम मीडियम करके इसे हमें मेल्ट होने तक पका लेना है। तो जैसे ही गुड़ पानी के अंदर पिघल जाता है उसके बाद गैस की फ्लेम तेज कर दीजिए और तेज आंच पे आपको इसे 7-8 मिनट तक बॉईल कर लेना है। आपको इसकी गाढ़ी चाशनी बनाना नहीं है, बस थोड़ा सा पका लेना है। तो ये बनके बिल्कुल तैयार है। गैस को हम ऑफ कर देंगे और कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच घी। घी बस हमें थोड़ा सा डालना है, इसे भी हम मिला देंगे। तो अब बारी आती है इसके अंदर सनफ्लावर सीड्स पाउडर डालने की, जो हमने नारियल के बुरादे के साथ मिक्स करके रखा था। तो ये सारा पाउडर डालने के बाद इसे हम पिघले हुए गुड़ के अंदर मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो ये समय पे इसके अंदर 1/4 छोटा चम्मच हरी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। मिश्रण को इस तरह से मिलाने के बाद इसे मैंने फैन के नीचे रख के थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। तो ठंडा होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो लड्डू बनाने से पहले थोड़ा सा हम घी दोनों हथेलियों पर लगा लेंगे ताकि ये जो मिश्रण है हाथों पर बिल्कुल भी ना चिपके। तो देखिए थोड़ा सा मिश्रण लेते हुए हम गोल आकार में लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। लड्डू को आप छोटा या बड़ा आपके हिसाब से बना सकते हैं। इस तरह से गोल और चिकना लड्डू बनाने के बाद आप चाहे तो काजू या फिर कटा हुआ बादाम से इसे गार्निश कर सकते हैं, पर आज हमने सनफ्लावर सीड्स के लड्डू बनाए इसलिए मैं इसके ऊपर ये देखिए इस तरह से सनफ्लावर सीड्स एक एक करते हुए इसके ऊपर चिपका दूंगी ताकि जो लड्डू है और भी बढ़िया दिखे। तो एक लड्डू बनके बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से आप बचे हुए मिश्रण के भी लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिए। तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, इंस्टेंट बनके तैयार हो जाते हैं। तो जब भी आपको कुछ हेल्दी मीठा खाने की इच्छा रहे तब आप इसे झटपट बनाकर खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने और एक दूसरा लड्डू भी बना के तैयार कर लिया है। ये लड्डू दिखने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिखते हैं, साथ ही साथ खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। इसे छोटे से लेके बड़े सभी खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक रहते हैं।
तो यहाँ पे मैंने सारे मिश्रण के लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। अगर आपको मेरी आज की सनफ्लावर सीड्स के लड्डू की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करिए। आप चाहे तो इसे आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और भी आने वाली मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।